नागपुर में संघ का विजयदशमी कार्यक्रम है। मोहन भागवत स्वयं सेवकों को करेंगे संबोधित। इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधा कृष्णन कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर नागपुर में संघ का विजयदशमी कार्यक्रम है और विजयदशमी कार्यक्रम को लेकर मोहन भागवत स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। और सीधा लिए चलेंगे आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, वो सुनवा देते हैं। को लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है, अब युद्ध इस प्रकार से होता है, इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में। ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है और ऐसी भ्रम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते हैं, जाने अनजाने। प्रजातांत्रिक देश है अपना, अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी, ये प्रजातंत्र की पद्धति है। लेकिन समाज में ये अलगाव टकराव देश की एकता एकात्मता देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना, अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं, पर्यायी राजनीति, उसके आड़ में अपना ये एजेंडा और ये पद्धतियां चलाती है। और ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहा हूं, पुस्तकें निकल रही है पाश्चात्य देशों से वहां की परिस्थिति के बारे में। पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विप्लव के परिणाम स्वरूप जीवन की स्थिरता, शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुभव होता है, हमको भी दिखाई देता है। और भारत के चारों ओर विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है, अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में कहा है। और नैतिक विचारों का, अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिष्ठान हमारे समाज की स्थिरता को, आपस के संबंधों को, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को मिला है। इन आधारों को नष्ट करने के कुप्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा। उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे।